हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड मेडलिस्ट गुरुराज पुजारी के बारे में। कौन गुरुराज पुजारी है जिन्होंने इंडिया को सेकंड CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो बात करते हैं गुरुराज पुजारी के जीवन के बारे में। तो गाइज, शुरू से बता दूं कि भाई गुरुराज पुजारी वेट लिफ्टर हैं जो शानदार प्रदर्शन के साथ में 61 किलो भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ 2022 में भारत का ये दूसरा मेडल है। इससे पहले संकेत महादेव ने वेटलिफ्टिंग में 51 वर्ग में, मैंने पूरी वीडियो डाली है संकेत महादेव के बारे में, उनके बारे में आप जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो। अब देखो इनकी जीवन चक्र बारे में बताऊँ, भाई 61 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है और 118 का स्कोर किया था पहले, और दूसरे में किया था 151, फिर इनका कुल मिला के हुआ था 269 का स्कोर हुआ था, जिसके बाद में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो भाई इनके जीवन के बारे में बात करते हैं। बता दें कि गुरुराज का जन्म 15 अगस्त 1992 को कुंडापुरा में हुआ था। वह कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। साथ ही उनकी उम्र 29 साल है। उनका पूरा नाम KP गुरुराज पुजारी है। साल 2018 में गोल्ड कोस्ट राष्ट्रीय मंडल खेलों में यानी कॉमनवेल्थ खेलों में 56 किलो वर्ग में भारत को सिल्वर पदक दिलाया था और अब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में कांस्य पदक विजेता मान गए हैं। और करियर की शुरुआत इन्होंने 2010 से की थी, लेकिन उसके बाद में करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वेट लिफ्टिंग के बजाय पावर लिफ्टिंग पर ध्यान ज़्यादा देने लगे। तो काफ़ी सारी उन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट झेले हैं। गुरुराज पुजारी राष्ट्रीय मंडल खेलों में कांस्य पदक जीत के भारत का मान विश्व भर में बढ़ाया है। भारत का आज दूसरा पदक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 210 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। 15 अलग अलग खेलों में पदक जीतने के बाद दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। 2022 में 2 पदक हमें अभी तक भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीत चुके हैं। तो गाइज, गुरुराज पुजारी शानदार खिलाड़ी है जिन्होंने पहले वेटलिफ्टिंग में ध्यान दिया, फिर वापस वेटलिफ्टिंग पर आए। तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा दूसरा बर्मिंघम की बात करूँ तो दूसरा पदक मिल चुका है। धन्यवाद गाइस इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए, जानकारी के लिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद गाइज, द न्यूज़ है।